हिमाचल मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। राज्य सचिवालय में 3 बजे बैठक होगी। हेलीकॉप्टर लीज समेत इन्वेस्टमेंट ब्यूरो में सीईओ की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है। इसमें वाटर सेस पर भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। डी नोटिफाइड स्कूलों पर भी चर्चा की जा सकती है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड सीधे जुड़े हैं इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर। प्रदीप करू करें, प्रदीप काफी अहम बैठक है हिमाचल मंत्रिमंडल की आज जो 3 बजे होने वाली है, राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। प्रदीप, आज के क्या बड़े एजेंडे हैं इस बैठक में? हेलीकॉप्टर लीज समेत इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के का भी हवाला दिया गया है इस बैठक को लेकर। आप बताइए प्रदीप, किस लिहाज से काफी अहम है आज की बैठक? बिल्कुल मुमताज, देखिए 3 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक शुरू होनी है और इसके लिए मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी नहीं पहुंचे हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम राज्य सचिवालय के ठीक बाहर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर मंत्री जो हैं, काफी सारे मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जगत सिंह नेगी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो बाकी मंत्री भी पहुंच रहे हैं और 3 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है और कुछ देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और इसके अगर आज एजेंडा की बात करें तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर लीज पर जो लिया जाना है उसको लेकर भी फैसला आज हो सकता है। 2 हेलीकॉप्टर लेने हैं, 1 बड़ा हेलीकॉप्टर लेना है, या किस तरह का जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर इस बार लिया जाएगा, इसको लेकर भी जो है लीज पर लिया जाना है, इसको लेकर कैबिनेट में एक एजेंडा जा सकता है, ऐसी सूचना है। और इसके साथ साथ जो वाटर सेस को लेकर प्रेजेंटेशन भी होनी है कि कितना रेवेन्यू प्रदेश के पास आ चुका है या कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पड़ोसी राज्यों के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन होनी है। स्कूल डिनोटिफाई हुए थे, अब जानकारी ये है कि कुछ स्कूलों को बहाल किया जा सकता है, वो तो उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा इस शैक्षणिक सत्र में, उसको लेकर भी चर्चा की जानकारी है। इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को लेकर भी चर्चा है कि इस कैबिनेट बैठक में ये एजेंडा जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के लिए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करना है किसको किया जाना है, जानकारी है कि मुख्य सचिव को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका बनाया जा सकता है इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का। तो ये तमाम मसले हैं और कुछ मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जो जिस तरह से गारंटियां जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई थी उसको किस तरह से अब क्रमवार तरीके से पूरा करना है, इस तरह के मसले भी इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। तो 3 बजे का समय है और जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी तब देखना ये होगा कि बड़े फैसले उसमें क्या हुए हैं। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इन चर्चाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।